रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम आए हुए हैं डुमेली। डुमेली मोड़ के जलेबी और अमृतसर मशहूर हैं, तो वो चेक करते हैं और आप सबको दिखाते हैं। तो ये भाई इधर जलेबी बना रहे हैं, बड़ी टेक्निक के साथ ये बनाते हैं। बाकी भी चीज़ें हैं इनके पास, तो दिखा देते हैं आपको। ये भाई इनके नाम बता दें। ये अमृतसर है और ये जलेबी है, ये सादा अमृतसर है, ये पकौड़ा है। ये पकौड़े हैं, ये तिल वाले अमृतसर हैं और ये सादे हैं। इनकी कीमत क्या है? कीमत ये 360 रुपये के जी हैं, ये 320 और ये भी 360 और ये 320। तो ये जी अल्लाह तोक्कल जलेबी अमृतसर पकौड़ा शॉप है। इनका कहना है कि ये स्पेशल पोठारी अमृतसर हैं, तो अगर आपको भी आए तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये प्लेट इन्होंने हमें दी है, सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी रख के। मेहमान नवाजी के ये कहते हैं कि ये हमारी तरफ से मेहमान नवाजी है, मतलब ये गिफ्ट है हमारे लिए। ये सारी चीज़ें हैं, अब हम ट्राई करते हैं और फिर इनसे ख़रीदेंगे भी। इधर बहुत सी शॉप्स हैं, काफ़ी सारी, दोनों साइड्स पे आमने सामने। डुमेली मोड़ है ही मशहूर इन जलेबियों और अमृतसरों की वजह से हैं, तो कभी आप आइएगा ज़रूर, ये बहुत मशहूर है यहाँ पे। तो ये भाई इधर जलेबियाँ बना रहे हैं और बड़ी टेक्निक के साथ, माशाल्लाह बहुत अच्छी है। देखें कितना बड़ा इन्होंने इसका, ये देखें, ये निकाल के इन्होंने इसको शीरे में डिप कर दिया और ये इन्होंने निकाल लिए बस। ये विदाउट केमिकल, तीन दिन वो ज्यादा इस्तेमाल होता है, तीन चार दिन नॉर्मल हो जाता है। जी तो हम पहुंच चुके हैं, ये शाही पॉइंट में का नाम है इनका और ये दुल्हन बाज़ार में है। तो ये छोटे से स्टॉल हैं भाई के, तो चलते हैं और देखते हैं गोलगप्पों की मेकिंग। तो ये गोलगप्पे हैं भाई ने कॉटन में कवर करके रखे हुए हैं। तो ये सारा इनका साफ़ सुथरा स्टॉल है, हर चीज़ इन्होंने कवर की हुई है, ये आप देख लें। ये भाई क्या डाल रहे हैं? ये मीठी चटनी है जी, ये हम लोग अपने बनाते हैं। ये मीठी चटनी है, पुदीने की चटनी है, ग्रीन कलर की। सही। इसके बाद हम लोग इसमें तेल ऐड करेंगे। इसके बाद फ्रेश सैलड डालेंगे। तो ये हमारे तैयार हो चुके हैं मीठे गोलगप्पे। तो इसमें इन्होंने फ्रूट की काफ़ी अच्छी जो है वो क्वांटिटी रखी हुई है, चलते हैं और इसको ट्राई करते हैं। जी तो ये हमारे गोलगप्पे रेडी हो चुके हैं,
बहुत मज़े के लग रहे हैं। ये हैं चाट वाले और ये हैं फ्रूट वाले। इसमें इन्होंने मीठी चटनी और क्रीम, अनार, केला और फ्रेश सैलड डाला हुआ है, तो काफ़ी मज़े के लग रहे हैं। अब हम ट्राई करते हैं इनको। तो ये साथ भाई ने हमें पानी दिया है, तो अब हम ट्राई करते हैं। तो ये हमने चेक किए हैं दही भल्ले वाले, ये बहुत मज़े के हैं। अब हम मीठे गोलगप्पे हैं जो वो ट्राई कर लेते हैं। मीठे जो गोलगप्पे हैं ये थोड़े यूनिक हैं, समझ नहीं आ रहा इनको, पानी के साथ खाएं या ऐसे ही खा लें। एक मैं भी ट्राई करूं। माशाल्लाह मीठा गोलगप्पा बहुत मज़े का, सारे फ्रूट्स का फ्लेवर आ रहे हैं, बेस्ट है ये। तो ये हमारे गोलगप्पे ख़त्म हो चुके हैं, बहुत मज़े के थे। अगर आप दुल्हन बाज़ार में, अगर आप बाज़ार आएँ तो दुल्हन बाज़ार ज़रूर आइएगा। तो आई होप आपको भी अच्छे लगेंगे। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।